नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश महाजन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी, अमृत धारा माय हॉस्पिटल करनाल। मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं नसों की प्रॉब्लम के साथ, नर्व्स की प्रॉब्लम के साथ। किसी को हाथों पैरों में कमजोरी हो गई है, किसी को हाथों पैरों में झिनझिनाहट होने लगी है, किसी के हाथों पैरों में सुनपन आ गया है, किसी को हाथों पैरों में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, कीड़ियां चल रही हैं। इन सब का कारण होता है नसों की कमजोरी। नसों की कमजोरी के कई कारण होते हैं, जैसे कि शुगर, बीपी के जो मरीज होते हैं, थायराइड के जो मरीज होते हैं, उनमें नसें कमजोर हो जाती हैं। इसके साथ साथ वो मरीज जो कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं, कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं जिनसे नसें कमजोर हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स में डिस्क प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डिस्क नसों को कंप्रेस करती हैं और जिसकी वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली नसों की कमजोरी का क्या कारण है, इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको बोला जाता है NCS, NCV यानी कि नर्व कंडक्शन स्टडीज या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। ये टेस्ट सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट है। इसमें 15 मिनट में हम पूरे शरीर की नसों की जांच कर सकते हैं, पता चला सकते हैं कि बीमारी किस जगह पर है, नसों को कितना नुकसान हो चुका है, कौन से नर्व फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं, सेंसरी फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं या मोटर फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं। इस प्रकार हम बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। पहले इस टेस्ट के लिए हमें मरीजों को दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भेजना पड़ता था, लेकिन अब ये टेस्ट हमारे अस्पताल में इस टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। अगर किसी को भी इस टेस्ट के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो प्लीज हमारे हॉस्पिटल में यानी कि अमृत धारा माय हॉस्पिटल में आकर ये टेस्ट आप जरूर करवाइए। लेकिन ये टेस्ट करनाल में सिर्फ और सिर्फ अमृत धारा हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तो अगर किसी को भी ये टेस्ट एडवाइस किया गया है तो प्लीज दिल्ली या चंडीगढ़ मत जाए, यहीं आकर इस टेस्ट को करवाएं।